नॉट ए रीजनल लैंग्वेज मैम, ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन, और जो यहां के जो लोग हैं वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से है जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया, और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है मैम, ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है, तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? पर इसमें कांग्रेस को दिक्कत है, योर कोलिशन पार्टनर कांग्रेस हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विद यू ऑन दैट, एंड हाउ आर यू सॉर्टिंग दैट आउट? मैडम यहाँ पर जब आंदोलन होता था तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरियों से भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। ये आज के आंदोलनकारी लोग अभी जिंदा है मैम, बहुत जिंदा है, बहुत महिला से लेकर पुरुष तक एक भावना है। रीजनल लैंग्वेजेस का एक अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, ये जंग लड़ी गई थी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस के बल पर, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बल पर। पॉइंट वेल टेकन, बट व्हाट अबाउट योर कोलिशन पार्टनर कांग्रेस who is has a difference of opinion? वो डिस्कस करेंगे मैम, वो हम पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिटिकल टीम में हम ये बात करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। हमने उनको ये नहीं कहा कि आपको हम इग्नोर करते हैं, तो हम लोगों ने उनको स्टेट डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक एक्सेप्टेंस देने का निर्णय लिया है कि हम आपको भी अपना हिस्सा मानेंगे अपने तरीके, वो इस स्टेट के जो मौका मिला। ये नहीं, अब आप बोलिए, अब बिहार में जो लोग थे पहले तो झारखंड में बहुत लोग जाते, अब कोई जाता है? अब जरा बताइए तो, पहले बिहार के लोग तो बहुत लोग कुछ काम के लिए झारखंड जाते थे, तो ये पुराने जमाने की बात जब एक था तब, अब कोई जाता है? अब तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, अब जानते हैं ना कि जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो बिहार में कितनी मायूसी आ गई थी कि झारखंड अलग हो गया तब तो बिहार बर्बाद हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। लेकिन अब बताइए जरा, बिहार के लोगों को कुछ भी रहता है ध्यान में कि अलग हो गया था? अब बिहार में कितना विकास हुआ है, कितना काम हुआ है, एक एक चीज के लिए जो चल रहा है बताइए, हर प्रकार से कितने इंस्टीट्यूशंस, जब बिहार झारखंड एक था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन का निर्माण वहाँ किया गया था, इवन पुलिस बल के ट्रेनिंग का भी वहाँ बहुत सारा किया गया था। अब सब चीज जो बिहार में किया गया तो देख रहे हैं ना एक एक चीज कितना अच्छा हुआ है, लेकिन ये सब एक अलग विषय। लेकिन किसी को भी बिहार में झारखंड के प्रति किसी तरह का, जिसको कहिए कि गलत फीलिंग नहीं है, लोग श्रद्धा करते हैं, मानते हैं, और झारखंड में भी हमको नहीं लगता है कि बिहार के लोगों के प्रति किसी तरह का कोई अपमान का भाव, इसलिए सब नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों बोलते हैं, कोई राजनीतिक बात होता होगा। अरे काहे का दबंग कोई होगा, जरा बताइए कितनी इज्जत है, ऐतिहासिक सब चीज है ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। झारखंड के लोगों के प्रति भी बिहार के लोगों के मन में बहुत ही प्रेम और सम्मान है। अब क्या बोलते हैं किसी चीज का, आप जरा बताइए, कोई भी लैंग्वेज बोल रहे हैं, कोई एक राज्य में रहता है, सब डिफरेंट जगह पर रहता है, तब क्या जो यूपी में लैंग्वेज बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार वाला यूपी में नहीं बोलता है, झारखंड में जो बोलता है बिहार में नहीं बोलता है, बिहार का लोग झारखंड में, ये सब कोई चीज है? आप जरा बताइए तो, आ कुछ इलाका ऐसा है बिहार का जहां पर जाइए तो जो बंगाल में बोला जाता है तो उस तरह का नहीं बोलता है, ये सब कोई बात है? इन सब चीजों के बारे में कुछ सोचना चाहिए, ये सब हमारी समझ से कोई उपयुक्त चीज नहीं, लेकिन अपनी इच्छा है, पता नहीं इसका कोई उनको लाभ मिलने वाला है तो लाभ लेते रहे, हम लोग तो कभी सब चीज के बारे में नहीं सोच सकते।
हम लोगों के तो पूरे मन में झारखंड के प्रति भी प्रेम का भाव है और सम्मान का भाव है जन है।